अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा खान। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऑरेंज सीरम लेके आई हूँ, जो कि हमारे स्किन को ग्लो करेगा और जो है टाइट करेगा हमारे स्किन को, और जिसके स्किन जो है सर्दी में फट रही होती है तो उसको भी जो है बिल्कुल सही करेगा, स्किन को फटने नहीं देगा। तो ये मैंने जो है आप किन्नू के जो थे वो निकाल के कर लिए थे साफ, छुरी की मदद से मैंने उसको खुरच लिया था अच्छी तरह से। तो येलो पार्ट हमें बिल्कुल निकाल देना, जो ये वाइट पार्ट लगा होता है वो मैंने देखे निकाल दी है अच्छी तरह से, साफ़ कर लिए इसे सबको। तो इस तरह से ये मैंने साफ़ कर लिए थे। ये हमारे स्किन को बहुत ग्लो करेगा, स्किन को फटने नहीं देगा, किसी लोशन की ज़रूरत नहीं है इसको लगाने के बाद। बहुत ज़बरदस्त सा सीरम होगा विटामिन सी का। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आगे क्या क्या डलेगा, तो आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो है इसको पकने के लिए मैं रख रही हूँ, एक कप पानी डाल रही हूँ आप लोगों के सामने। उसके बाद मैं ये जो ऑरेंज के जो छिलके हैं वो डाल रही हूँ। वाइट पार्ट नहीं आना चाहिए, वाइट पार्ट जो था मैंने छुरी की मदद से उसको निकाल दिया था। इसको ढक के पकाना है, अच्छा सा एक बॉयल आ चुका है इसमें, देखें। इसको इतना पकाना है कि आपको उसको इतना पकाना है कि इसमें आधा कप पानी रह जाए। ये देखें आधा कप पानी रह चुका है, अच्छा सा ये तैयार हो चुका है। ये आप लोग देखें कि मैंने जो एक कप पानी में जो ऑरेंज जो पकाया था अच्छा सा जो है इसमें पक चुका है। इतना पकाना है कि हमारा आधा जो है आधा कप रह जाए पक के। अच्छी तरह से मैंने उसको पका लिया है, बिल्कुल नेचुरली जो है इसमें अच्छी सी ऑरेंज की खुशबू आ रही है और ये इसका नेचुरल कलर है। कहीं आप लोग समझें कि मैंने इसमें कोई हल्दी डाली है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑरेंज का ही कलर जो छिलके जो बाहर थे ये उसका नेचुरल कलर आया है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सीरम में इसमें क्या क्या मिलाना है। एक चम्मच मैं इसमें रोज़ वाटर मिलाऊँगी, ये पूरा एक चम्मच हो गया, देखिए रोज़ वाटर मैंने मिला लिया है इसमें। एक चम्मच जो है मैं इसमें ग्लिसरीन मिलाऊंगी, एक चम्मच मैं कोकोनट ऑयल मिलाऊंगी इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छा सा ये सीरम तैयार हो चुका है। ऑरेंज सीरम बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत ज़बरदस्त सा जो है इसमें सीरम तैयार हो चुका है। अब मैं इसको आपको बॉटल में जो है भर के दिखाऊंगी, फिर आप इसके क्या यूजेज हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो ये ऑरेंज सीरम जो है अच्छा सा तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। इसको ज़रूर अप्लाई किएगा, और इसको मैं बात बता दूँ कि आपको जब ये निकाल के जब लगाएंगे तो उसको कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट तो आप उसको रब करेंगे, उसके बाद ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। तो उसको लगा रहने देना है, कहीं आप ऐसा करें कि फेस वॉश से धो लें, इसको बिल्कुल नहीं धोना, ये लोशन की तरह हो जाता है, बिल्कुल लोशन की तरह, लोशन की जगह हमें ये यूज़ करना है। अच्छा सा ये स्किन जो सीरम जो है तैयार हो चुका है ऑरेंज का, बहुत जल्दी ग्लो करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, नरिश करेगा। कोकोनट ऑयल हमने यूज़ इसी वजह से किया है कि हमारी स्किन को ये ग्लो कर सके। लगाने से पहले आप लोगों को ज़रूर शेक करना है, शेक करने के बाद आप लोगों को अपने स्किन पे अप्लाई करना है। ये फुल बॉडी है, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके स्किन सर्दियों में अक्सर फट रही होती है, सॉफ्ट नहीं रहती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो ये इन सब का जो है ये बहुत ज़बरदस्त है इन सब के लिए। इस तरह से इसको रब करना है, आप लोग ख़ुद देख सकते हैं किस तरह से ये हो चुका है। इसी तरह है आप लोग अपने फेस पे अप्लाई करना, रात में लगा के सो जाएं, पाँव में भी लगा के लगा लें, सॉक्स पहन लें तो बहुत ज़बरदस्त से जो है पाँव आपके
फटेंगे भी नहीं और सॉफ्ट रहेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आयशा खान। अल्लाह हाफ़िज़।